इन दिनों टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा दुनिया की किसी भी टीम को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में पहले कंगारुओं को पटक कर सारा घमंड चकनाचूर किया, तो अब इंग्लिश टीम को ऐसा जख्म दिया जिसने टीम के कप्तान जोस बटलर ताउम्र भूल नहीं पाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ रोहित ने शानदार रणनीति अपनाते हुए 68 रनों से पटकनी देकर फाइनल में टीम को पहुंचा दिया है। अब T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में साउथ अफ्रीका से टीम इंडिया का मुकाबला होगा। इंग्लैंड की तुड़ाई कर रिकॉर्ड भारी बने रोहित ने सेमीफाइनल मैच में भी शानदार पारी खेली। रोहित ने इस मैच में 39 गेंदों में 57 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। इस दौरान रोहित ने वो कर दिखाया जो सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर भी ना कर सके थे। बतौर कप्तान रोहित ने एक अनोखा रिकॉर्ड सेमीफाइनल में बनाया है। सिक्सर किंग के नाम से पहचाने जाने वाले रोहित इंटरनेशनल क्रिकेट में 5000 रन बनाने वाले 5वें भारतीय कप्तान बने। इस लिस्ट में टॉप पर विराट कोहली हैं। कोहली ने बतौर कप्तान 213 मैच की 250 पारियों में 12883 रन बनाए थे। दूसरे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिन्होंने 332 मैच की 330 पारियों में 11207 रन बनाए थे, जबकि तीसरे नंबर पर मोहम्मद अजहरुद्दीन हैं। चौथे पर सौरभ गांगुली हैं। अब इस फेहरिस्त में रोहित शर्मा का नाम भी जुड़ गया है, जिन्होंने 122 मैच में 5032 रन बनाए हैं। हालांकि रोहित के नाम एक नहीं बल्कि कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन जिस तरह से रोहित ने T20 वर्ल्ड कप में टीम को एक साथ लाकर कमाल का प्रदर्शन दिखाया, उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब रोहित ने टीम इंडिया को एक बड़े मुकाम पर पहुंचाया हो। इससे पहले रोहित की कप्तानी में बीते 8 महीने पहले ही वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाया था। भले ही टीम को हार मिली थी, लेकिन रोहित ने फिर से शानदार कमबैक करते हुए T20 वर्ल्ड कप में अपना जौहर दिखाया। गयाना में इंग्लैंड पर जीत से मिला फाइनल का टिकट ICC टूर्नामेंट जीतने के इंतजार को खत्म करने का टीम इंडिया को एक और मौका मिल गया है। बता दें, टीम इंडिया ने 2013 में आखिरी ICC ट्रॉफी जीती थी, तब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। तब 2013 में इंग्लैंड को उसी के होम ग्राउंड पर फाइनल हराया और ट्रॉफी पर कब्जा किया था। इसके बाद से टीम कोई भी ICC ट्रॉफी जीत नहीं सकी है। टीम ने 2013 के बाद से तीनों फॉर्मेट्स यानी कि वनडे, टेस्ट और T20 के 4 ICC टूर्नामेंट में 2023 तक 10 बार हिस्सा लिया है। कि टीम इंडिया का 11वां ICC टूर्नामेंट है। टीम इंडिया ने पिछले 10 में से 9 बार ICC टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई किया है, जबकि एक बार यानी कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में ग्रुप स्टेज से बाहर होना पड़ गया था। इस दौरान भारत ने नॉकआउट स्टेज पर कुल 13 मैच खेले हैं, जिसमें से 4 में जीत मिली और 9 में हार मिली। टीम ने जो 4 मैच जीते उनमें से 3 सेमीफाइनल रहे, जबकि 1 क्वार्टर फाइनल रहा। हालांकि टीम इंडिया को 9 मुकाबले गंवाने पड़े, जिसमें 4 सेमीफाइनल और 5 फाइनल रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो ICC टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन 2013 के बाद से 2014 में T20 वर्ल्ड कप फाइनल में हार का सामना करना पड़ा, 2015 में क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा, वहीं 2016 में T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत हार गया, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हार मिली, 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार गए, तो वहीं 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में हार मिली, 2021 में T20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर होना पड़ा, 2022 में T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हार मिली, वहीं साल 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में हार मिली, वहीं साल 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप में फाइनल में हार मिली। जानकारी के लिए बता दें कि रोहित शर्मा सेमीफाइनल मुकाबले में 49 जीत के बाद दुनिया के सबसे सफल T20 कप्तान बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 48 जीत दर्ज की। अब 5वां मैच रोहित का T20 फाइनल होगा। इस मैच में रोहित सेना इतिहास रच पा दी है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस स्टोरी को आपके लिए तैयार किया था हमारे साथी मंचकार शिवकांत ने। स्टोरी पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।